हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती एंड आई हार्टली वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन वर्ल्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी क्लास 8 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 36 पढ़ेंगे, जिसकी डेट है 15 फरवरी 2021। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो नेम ऑफ़ द स्टूडेंट में आप अपना नाम लिख लेंगे। नेम ऑफ़ द क्लास टीचर में आपको लिखना है अपने क्लास टीचर का नाम। अगर किसी के स्कूल में बोला गया है कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखिए, फिर आप लिखेंगे अपने इंग्लिश टीचर का नाम, राइट? चलिए करते हैं आज की वर्कशीट। आपको पता ही है कि हम पढ़ रहे थे पिछली वर्कशीट में टेंसेस के बारे में, तो आज की इस वर्कशीट में भी हमें टेंसेस कंटिन्यू कर ले हैं, लेकिन आज हम टेंस कौन से पढ़ेंगे? आज हम जानेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट यानी कि भूत, यानी कि पिछला, ठीक है? तो इसके सबसे पहले, वी यूज सिंपल पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। लुक एट दिस एग्जांपल। हम पास्ट के सेंटेंस उनके लिए बनाते हैं जो हमारी घटनाएं पास्ट में होती हैं, है ना? सिंपल पास्ट टेंस हम उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो हमारी पिछली घटनाएं होती हैं, जो हमारी पहले हो गई, यानी कि जो अब हम कर रहे हैं उससे पहले जो भी है वो हमारा अतीत है, वो हमारा पास्ट है। लुक एट दिस एग्जांपल। अब इन एग्जांपल्स को आप देखिए। यूसेस टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, ये दिखाने के लिए जो हमने अपना एक्शन कंप्लीट कर लिया, जो हमारा काम पूरा हो गया पास्ट में, उसके लिए बताने के लिए कि मैंने ये काम किया, है ना? इस तरीके से टू डिस्क्राइब अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, अगर कोई पूरी की पूरी सीरीज़ होती है कि ये ऐसे ऐसे करा मैंने, पहले ये करा, फिर मैं वहाँ गया, फिर मैंने वो खाया, फिर मैं वहाँ से वापस आया, तो ऐसी चीज़ों के लिए भी हम पास्ट का यूज़ करते हैं। आप देखते हो ना, स्टोरी में हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, तो वही है सिंपल पास्ट। टू एक्सप्रेस हैबिट इन द पास्ट, अगर हमें पुरानी कोई अपनी हैबिट दिखानी पड़ती है पास्ट की, तो तब भी हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तब भी हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। फोर स्टेटिव वर्ब्स हैव ओन, बी, थिंक, बिलीव, नोन, डिसलाइक, और जो हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कैसी चीज़ें? जो हमारी होती हैं, कोई लाइक हो, जैसे हम सोचते हो, कोई हमारा विश्वास हो, जैसा जो हमारी आवश्यकता होती है, जो हम चाहते हैं, उसको अगर हम दिखाते हैं हैव के साथ, तो हम किस चीज़ का पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। अब देखिए एग्जांपल, जैसे हम किसी कंप्लीटेड एक्शन, कैसे, जैसे आई सो अ स्नेक लास्ट फ्राइडे, मैंने पिछले फ्राइडे को एक स्नेक, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा कंप्लीट एक्शन, जो हमारे कंप्लीटेड एक्शन पास सीरीज। जैसे मैंने आपको बताया स्टोरी का एग्जांपल, आई फिनिश वर्क, वॉक टू द बीच, मैंने काम ख़त्म किया, मैं बीच पर गया एंड फाउंड अ नाइस प्लेस टू स्विम, और वहाँ पर मुझे एक अच्छी जगह मिली तैरने के लिए। अब टू एक्सप्रेस हैबिट्स इन द पास्ट, जो हमारी हैबिट होती हैं उसकी, जब कैसे, जैसे व्हेन आई वाज हंग यंग आई वॉच लॉट्स ऑफ टेलीविज़न एवरी डे आफ्टर स्कूल, जब मैं यंग था तो मैं हर एक दिन स्कूल के बाद टेलीविज़न देखा करता था। ये पास्ट की हैबिट बता रहा है कि पहले जब मैं था तो मैं ऐसा किया करता था। जब स्टेटिव वर्ड्स कैसे, जैसे आई हैड अ स्मॉल कॉटेज इन द वुड्स, है ना, आई हैव अ स्मॉल कुछ भी, स्मॉल हाउस, है ना, इस तरीके से अगर हमें बनाना है तो इसमें भी हम पास, सिंपल पास का यूज़ करते हैं, राइट? चलिए अब देख लेते हैं टू बी, जो हमारा दिया गया है वर्ब्स। देखिए टू बी की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो क्या होती है? वाज वर होती है, जैसे दे वर फ्रेंड्स, है ना, और वर्ब्स के साथ जब हम ई डी लगा देते हैं, जैसे सी वर्कड यस्टरडे, एस के बाद वॉज नॉट, दे वर नॉट फ्रेंड्स, है ना, जैसे वाज वर लगाते हैं सिंपल सेंटेंस होते हैं, वे दोस्त नहीं थे, दे वर नॉट फ्रेंड्स, वर दे फ्रेंड्स, क्या वे दोस्त थे, ये तो इस तरीके से हो गया टू बी वाली। वर्ब का कैसे लगाते हैं, जब हम पास्ट टेंस में वर्ब यूज़ करते हैं, सी वर्क यस्टरडे, उसने कल काम किया, डिड नॉट सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब प्लस बेस फॉर्म, है ना, देख रहे हो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ई डी लगा दिया वर्ब में, है ना, तो ये कैसे, सी डिड नॉट वर्क यस्टरडे, डिड सी वर्क यस्टरडे, क्या उसने काम करा, है ना, उसने कल काम किया, उसने कल काम नहीं किया, और उसने क्या कल उसने काम किया, तो इस तरीके से आप इनमें बेसिक डिफरेंस समझिए। ये टू बी की कैसे, इसमें सब्जेक्ट और वाज वर लगाते हैं, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब की फॉर्म में ई डी लगा देते हैं, यानी कि सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, राइट? चलिए अब देखते हैं बच्चों, जो सिग्नल वर्ड्स या आपके पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है? देख ले, पहले सिग्नल वर्ड्स देखते हैं। यस्टरडे
I met my sister for lunch yesterday. मैं अपनी लंच के लिए अपनी बहन से कल मिला या मिली. तो ये क्या है हमारा सिग्नल वर्ड yesterday. यानी कि जब हमारी पुरानी बात, ये पुरानी बात के लिए yesterday आता है. अगर आप tomorrow यूज़ करोगे तो उसमें past tense नहीं लगाएंगे, उसमें future लगाएंगे. ठीक है. अगर last night, week, last week या last year आ जाए तो वहाँ पर भी past tense लगाना है. याद रखना simple past लगाना है. अगर किसी में yesterday, last night, last week या last आ जाता है. एट, ओन, इन, टाइम, इन द पास्ट. अगर एट आता है, ओन आता है, इन आता है तो उसके साथ हमें पास्ट का टाइम लगाना है. द मेल कैम एट 11 AM. जो मुझे मैसेज आया वो कितने बजे आया? 11 बजे आई मेल. आई मूव टू दिस सिटी ऑन September 1, 2015. मैं शहर में गया कब? 1 सितंबर 2015 को. एगो अगर आता है तो तब भी हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तब भी हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं. जैसे कि मेरिंडा ग्रेजुएटेड 5 years ago. तो ये हमने पास्ट की चीज़ भी दिखाई. अगर आपको ये देखना है कि जहाँ पे आपके यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, एगो या फिर एट, ओन, इन के साथ टाइम पास में हो तो आपका पास इंडेफिनिट बनता है. राइट. चलिए होपफुली आपको समझ आ गया होगा. अब देखते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जो आपका होता है. पॉजिटिव में ही मेट हिज वाइफ 6 years ago. वो अपनी वाइफ से 6 साल पहले मिला. ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ. दे वॉच अ मूवी यस्टरडे. उन्होंने कल मूवी देखी. यू वेंट टू द बेड अर्ली. तुम जल्दी सोते हो. सी स्टडीड इन द लाइब्रेरी. वो लाइब्रेरी में पढ़ती थी. दे हैड डिनर एट डिनर लास्ट नाइट. उन्होंने लास्ट नाइट डिनर किया. ही फेल्ट सैड यस्टरडे. उसे कल बुरा लगा. वी मेड अ केक फॉर यू. हमने तुम्हारे लिए केक बनाया. द पुलिस फाउंड सम क्लूज. पुलिस को कुछ क्लू मिले. ये सारे आपके पॉजिटिव और ये नेगेटिव. ही डिड नॉट मेट हेयर. वो यहाँ नहीं मिला. वो ग्रेजुएट नहीं हुआ. उसने मूवी नहीं देखी. वो बेड पे जल्दी नहीं जाते हैं. उन्होंने स्टडी नहीं की लाइब्रेरी में और उन्होंने डिनर नहीं किया. पुलिस ने किस कोई क्लू नहीं मिला. आई डिड नॉट बिकम अ डॉक्टर. मैं एक टीचर नहीं बना. और इसी तरीके से आपके क्वेश्चन. डिड ही फील सैड यस्टरडे. क्या उसको कल बुरा लगा. डिड दे वॉच अ मूवी. क्या उन्होंने मूवी देखी. डिड ही मीट हर. क्या वह उससे मिला. डिड शी स्टडी इन द लाइब्रेरी. क्या उसने लाइब्रेरी में पढ़ाई करी. डिड द पुलिस फाइंड एनी क्लू. क्या पुलिस को कोई क्लू मिला. तो इसी तरीके से ये क्या कि नहीं, ये वाले आपके पॉजिटिव, ये आपके नहीं वाले और ये आपके क्वेश्चन के वाले जो क्या हैं, सेंटेंसेस हैं. ठीक है, समझ आया. आप कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स. चलिए पहला देखते हैं क्या है. करेक्ट फॉर्म भरनी है वर्ब की और इसे पूरा करना है. अब देखिए, आई डैश टेरेबल नॉइज लास्ट नाइट. मैंने बड़ी डरावनी आवाज़ सुनी रात को. तो टेरेबल नॉइज तो है इसमें, लेकिन हमें पास फॉर्म लगानी है तो आपको क्या बताया, ईडी लगाना होता है. आपको सेकंड फॉर्म लगानी होती है. तो हियर की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हियर्ड होती है. माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप यहां पे लगा देंगे HEARED, हियर्ड. राइट. चलिए अगला देखते हैं. रेनू इज वेरी सैड. रेनू बहुत दुखी है. हर डॉग डिसअपियर यस्टरडे. उसका कुत्ता कल डिसअपियर हो गया. तो इसमें भी क्या कर देंगे, आप ईडी लगा देंगे इसी की स्पेलिंग में. डिसअपियर्ड और ईडी लगा देंगे, डिसअपियर्ड. डैश यू टू हैव फ्रेंड्स लास्ट नाइट. अब टॉक की लगानी है, लेकिन इसमें क्या है, शुरू में आपका खाली स्थान है और इसमें क्वेश्चन पूछना है. तो क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं जब कोई क्वेश्चन पूछना होता है. अभी हमने एग्जांपल पढ़े, डिड यू टॉक, है ना, क्योंकि इसमें लग गई तो अब इसमें सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है. तो ये हो गया, डिड यू टॉक टू योर फ्रेंड्स लास्ट नाइट. ठीक है. हिज फ्रेंड रमेश डैश द प्राइज. तो विन की सेकेंड फॉर्म क्या होती है माई डियर स्टूडेंट्स, विन की सेकेंड फॉर्म होती है आपकी वन. ठीक है, तो WON आप इसका कर देंगे, WON. अगला देखिए, कंप्लीट. तो इसमें क्या आएगा, हैव के है, डिड, है ना, डिड यू कंप्लीट, है ना, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आएगी. जब भी हमारा डिड आएगा माय डियर फ्रेंड्स, तो हम क्या कर देंगे, लगा देंगे सॉरी फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, तो कंप्लीट आ जाएगी. ठीक है, अगला, आई डाउन आउट अ नोटबुक एंड अ पेन टॉकिंग नोट्स सिट टेक स्टार्ट. तो अब इसमें हमें फॉर्म यूज़ करनी है. अब बताइए कौन सी आएगी. चलिए लेट मी टेल यू,
आई सेट डाउन, एस ए टी सेट डाउन। फिर उसके बाद क्या है, टेक की सेकेंड फॉर्म आएगी टुक, आई टुक आउट अप नोटबुक एंड अ पेन एंड स्टार्टेड टॉकिंग, स्टार्टेड करिए, स्टार्टेड ई डी लगा दीजिए, सब में हो गया। When I was young, जब मैं यंग था, I with marbles, तो प्ले का क्या कर देंगे, इसमें आप लगा देंगे प्लेड, ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, इसमें आप लगा देंगे प्लेड, ये हो गया आपका। शीतल डिड नोट, तो जब हमने क्या पढ़ा था, जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो डिड लगाते हैं, है ना, डिड नोट, और प्ले का हम क्या, सॉरी अटेंड का क्या कर देंगे, हम अटेंड का अटेंड यूज़ करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे अटेंड, A double T E N D attend, ठीक है। He dashed to his place 2 days ago, तो go का क्या आएगा, went, वो अपने गांव 2 दिन पहले गया, यहाँ पे went आएगा। Heavily it rained, R A I N D, it rained heavily last night, तो इस तरीके से आपकी वर्कशीट होती है कंप्लीट। माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे सबको इनका लाभ मिले, और आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर आप नए आए हैं, और एक कमेंट लिख के बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ आया या नहीं आया। थैंक यू स्टूडेंट्स।